पुराने जमाने से चले आ रहे इस समाज में ऐसे बहुत सारे किस्से आपने समय समय पर सुने होंगे, जब उन किस्सों की असलियत पर आपको शायद ही यकीन हुआ होगा। जैसा कि पुराने जमाने में अघोरी तांत्रिकों के द्वारा कभी कभी किसी बुरी भावना के चलते या किसी और के आदेश के अनुसार किसी तीसरे व्यक्ति पर झाड़ फूंक का तंत्र कर दिया जाता था, या फिर ऐसे भी किस्से आपने सुने होंगे जबकि ऐसे सिद्ध तांत्रिक जो अपने भीतर ऐसी ऐसी शक्तियां और सिद्धियां समाये हुए थे जिनके किसी दूसरी जगह पर होने पर भी किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर उड़न तस्त्री गिरवा दी जाती थी जिससे व्यक्ति की मौत सुनिश्चित थी। और फिर इन्हीं सिद्ध तंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में अनेकों तरह के बदलाव का आना, जैसे व्यक्ति का चिड़चिड़ापन, उसका उदासी में चले जाना, बार बार बीमार पड़ना, खून की उल्टियां करना आदि आदि अलग अलग प्रकार के संक्रमण उसमें दिखाई देने लगते थे, जो कि आज के मॉडर्न जमाने में सुनना और यकीन करना थोड़ा विनोद वाला विषय लगता है। लेकिन अफवाहें भी उसी के विषय में उठती हैं जिनके विषय में थोड़ी बहुत सच्चाई पहले कभी रही हो। बस वैसे ही किसी एक सुपर नेचुरल हॉरर एक्टिविटी पर बेस्ड फिल्म का टीजर मैंने अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब पर देखा था, जिसका नाम था शैतान। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं डिटेल में इस टीजर के ऊपर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। अब से लगभग एक साल पहले एक गुजराती फिल्म काफी ज्यादा चर्चे में रही थी, जो कि अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के चलते काफी देखी गई थी और सराही भी गई थी, जिसका नाम था वश। उस फिल्म के जादू को एक बार फिर से भुनाने की चाह से अपने रिमिक्स के स्पेशल डायरेक्टर मिस्टर अजय देवगन एज अ प्रोड्यूसर एक फिल्म लेकर आ रहा है जिसका नाम है शैतान, जो कि गुजराती ब्लॉकबस्टर फिल्म वश का ही हिंदी रीमेक है। वैसे सच माने तो मैंने भी जब यह टीजर को देखा था तो मुझे तो टीजर काफी ज्यादा प्रभावशाली और अट्रैक्टिव लगा था, क्योंकि तुम्बाड़ मूवी के बाद बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसी सुपर नेचुरल हॉरर थीम पर मूवी इतनी इफेक्टिव बनाई गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि तुम्बाड़ अपने आप में एक मास्टरपीस थी जिसकी कहानी पुराने जमाने में दादा दादियों द्वारा सुनाई जाने वाली काल्पनिक कहानियों पर ही बेस्ड थी, और अब यह शैतान जिसका टीजर का प्रेजेंटेशन आपको एक मिनट के लिए तो वाकई में अपनी खौफनाक दुनिया में लेकर चला गया होगा, जहां आपने अपने बचपन में एक सपना बहुत ज्यादा चर्चा में सुना होगा कि मायापुरी का मयाना राक्षस छलावा रूप बदलकर आपके सपनों में आता है और आपकी एक विश पूरी करने के बदले में आपके किसी पसंदीदा व्यक्ति की जान का सौदा करता है, और अगर आपने सौदा कबूल कर लिया तो छलावा अपना वादा निभाएगा और आपके पसंदीदा व्यक्ति की मौत हो जाएगी। बाद में जिंदगी भर आप खुद को उसकी मौत का जिम्मेवार समझते रहोगे और खुद को कोसते रहोगे। वैसा ही कुछ कंसेप्ट शायद इस टीजर के डायलॉग डिलीवरी मोनोलॉग में सुनाई पड़ रहा है, जहां आर मानन की बैड ड्रीम साउंड आपको अपने जाल में फंसाएगी। दुनिया भले ही गूंगी हो लेकिन इस छलावे के छल से खुद को बचा नहीं पाएगी। तो यह तो पक्का है कि फिल्म आज के प्रैक्टिकल डेज को ध्यान में रखकर ही बनाई गई होगी, मतलब कि वैसे वाले तांत्रिक अघोरी और झाड़फूंक वाला डायरेक्ट फॉर्म हमको शायद ही मूवी में देखने को मिले, लेकिन मैटर रिलेटेड तो उसी से होगा। जैसे कि गुजराती फिल्म वश के अकॉर्डिंग एक फैमिली के घर पर एक अननोन पड़ोसी आता है और उनकी एक प्यारी सी बच्ची पर अपने टोटके का असर चालू करता है, उस बच्ची को अपने वश में कर लेता है। फिर कैसे वह पेरेंट्स अपने बच्चों को उसके चंगुल से बचाते हैं, यह था वश का बेसिक प्लॉट। यहां शैतान में पेरेंट्स का रोल निभाएंगे अपने अजय देवगन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका। अजय देवगन के प्रोडक्शन में बनने के हिसाब से उनके हर एक मूवी में एक स्पेशल छाप फिल्म के भीतर जरूर रह जाती है, जैसा कि हम टीजर में भी देख चुके हैं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमने यह फील भी किया है। जैसा दृश्यम 2 और भोला कोई ले लीजिए, वो साउथ की वेल नोन फिल्में थी लेकिन भारत में वो जानी गई अजय देवगन के स्पेशल टेक्सचर की वजह से। बाकी उन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सक्सेस पाई थी, बावजूद इसके कि अधिकांश भारतीय ऑडियंस ने इन दोनों मूवी के ओरिजिनल कंटेंट को पहले से देख रखा था, लेकिन वश मूवी के साथ ऐसा नहीं है, शायद ही किसी ने अभी तक इस मूवी को देखा होगा। तो इस चीज का डायरेक्ट फायदा बॉक्स ऑफिस पर शैतान मूवी को जरूर मिलेगा। शैतान मूवी को डायरेक्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टर विकास बहल, जिनकी लास्ट मूवी जो उन्होंने डायरेक्ट की थी वह थी गणपत, जो कि एक फ्लॉप कंटेंट था, लेकिन विकास बहल इससे पहले सुपर 30 और क्वीन जैसी मास्टरपीस भी डायरेक्ट कर चुके हैं, तो काम तो उन पर आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी देखते हैं, जितना इंटरेस्टिंग और भयानक शैतान का टीजर लगा है उतना ही फिल्म हमें गुड फॉर्म में सरप्राइज कर पाएगी या नहीं। बाकी स्टे ट्यून्ड विद अस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और ऐसे टीजर के रिव्यू या मूवी के रिव्यू के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। बाकी अभी तक रिसेप्शन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ या किसी लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।